स्मृति ईरानी कहाँ गई? ऐसे सिलेंडर लेके ऐसे ऐसे बचाओ बेटी पटाओ उसी काम में ही लगा हुआ है सर। स्मृति ईरानी एक बार देश की महिला खोज रही है स्मृति ईरानी को चूड़ी पहनाने के लिए। अब बिहार के गांधी मैदान में उनको चूड़ी पहना देगा लोग। अरे अमित शाह तो छोटा है, पहले मणिपुर सरकार को बर्खास्त करो। और महिलाओं को जिस तरह से निवस्त्र घुमाया गया, सामूहिक बलात्कार की घटना घटित हुई, यह दुखद पूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाओं को नंगे किया जा रहा है और स्मृति ईरानी मुंह में फेविकॉल लगाई हुई है। कहाँ है स्मृति ईरानी? फेविकॉल खोल के जाए मणिपुर, मणिपुर में जाके महिलाएं से मिले। सबसे देश की सबसे भ्रष्ट महिला है स्मृति ईरानी। देख रहे होंगे जदयू पहुंच चुकी है इनकम टैक्स के पास। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इस्तीफा मांग रही है जो मणिपुर में घटना घटी है। राजीव रंजन जी अभी हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहिएगा सर? इस्तीफा मांग रहे हैं आपके नेता। ऐसा है, सबसे बड़ी बात है कि पूरा घिनौना बात की जानकारी होम मिनिस्टर को, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को 4 तारीख से ही है। उसके बाद उन्होंने जान बुझ के रोक कर रखा था ताकि अगर नहीं हल्ला होगा तो मैं इसको दबा दूंगा, और 78 दिन इसको दबा के रखा। आप समझ सकते हैं कि एक घिनौना अपराध जो वहाँ के लोगों ने किया है महिलाओं के साथ, उसको भी दबा दिया। यानी उनको अगर रिजाइन नहीं किया, इसका माने कि उनके पास कोई दिल में जगह नहीं है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं उनके पास उनके दिल में। तो क्या गृह मंत्री जी को क्या कहिएगा आप? गृह विभाग संभालेंगे बेहतर। गृह मंत्री को बेउर जेल भेज दीजिए, बेउर जेल भेज दीजिए गृह मंत्री को। आपके नेता मांग कर रहे हैं। हाँ, बेउर जेल ये नेता है भाई। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक सवाल है होम मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर पर है मंजित बाबू। होम मिनिस्टर जो है उसको जानकारी थी इस बात की कि ऐसा केस हो गया है, वहाँ 3 दिन रहे भी फिर भी कोई एक्शन नहीं किया जानबूझ के, ताकि अगर ये बात बाहर चली जाएगी तो हमारी सरकार डिस्टर्ब। गृह मंत्री आप, ये बड़का झूठा पार्टी का बड़का झूठा होम मिनिस्टर। 6 महीना पहले इसी पार्टी में थे सर। हाँ, क्या हुआ? नहीं तभी अमित शाह कहाँ थे? तभी अमित शाह नहीं, तभी ना नीतीश जी के चलते अमित शाह बन गए गृह मंत्री, नहीं तो बीजेपी का खाता नहीं खुलता, बीजेपी गिरो हो जाता। देख रहे होंगे अभी यहाँ पर जदयू के नेता काफी गुस्से में है। अमित शाह इनको नहीं जीता है। अमित शाह की कोई हैसियत नहीं है राजीव रंजन के सामने। अमित शाह कौन है? अमित शाह जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री था, इस आधार पे गृह मंत्री क्या काबिलियत है? ईडी और सीबीआई से सब छोटे मोटे लोग को धरवा देना, अब वही गृह मंत्री हो जाएगा। बीजेपी के कितने नेता के यहाँ सीबीआई और ईडी का छापा पड़ा, पूरे बिहार और देश को बेच दिया। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन कोई बचा है? अब आने वाला समय में हम लोग को भी बेच देगा। बेटवा को 500 से 5 करोड़ का मालिक बना। स्मृति ईरानी कहाँ गई? ऐसे सिलेंडर लेके ऐसे ऐसे कहाँ गई स्मृति ईरानी? ऐसे 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 हम बता रहे हैं स्मृति ईरानी एक बार देश की महिला खोज रही है स्मृति ईरानी को चूड़ी पहनाने के लिए। अब बिहार के गांधी मैदान में उनको चूड़ी पहना देगा लोग। देखो सबसे बड़ी बात है, महिलाएं देश की महिलाएं को नंगे किया जा रहा है और स्मृति ईरानी मुंह में फेविकॉल लगाई हुई है। कहाँ है स्मृति ईरानी? फेविकॉल खोल के जाए मणिपुर, मणिपुर में जाके महिलाएं से मिले। सबसे देश की सबसे भ्रष्ट महिला है स्मृति ईरानी। नीतीश जी राहुल गांधी गए हैं? हाँ बिल्कुल जाएंगे, समय आएगा तो। नीतीश जी है, नीतीश जी से आज ऐसा डर हो गया है प्रधानमंत्री का, आप भी देख रहे होंगे नर्वस आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से 38 दल का नामा पूछिए ना कि कौन कौन है। 2024 नीतीश जी का असर दिख रहा है, नीतीश जी का असर दिख रहा है। एक बार बताते हैं आपको, पूरे भारतीय जनता पार्टी में मेरी बात सुन लीजिए, पूरे भारतीय जनता पार्टी मणिपुर की घटना को लेकर जदयू अभी यहां पर आई है, और यहां पर देख रहे होंगे जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार क्या कुछ कहते हैं, जरा सुनेंगे तमाम बातें। क्या लग रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान में, बेटी के सम्मान में बेटा मैदान में, ये कितनी बड़ी चिंता की बात है कि माँ बहन की इज्जत के लिए बेटा जिसको जन्म दिया है, जो भारत माँ का संतान है, वो अपने माँ की रक्षा के लिए सड़क पर उतर रहा है, और प्रधानमंत्री जी मात्र 36 सेकंड कल बोलते हैं, मात्र 36 सेकंड, एक बार भी नहीं बोला कि मणिपुर में अमन चैन कायम करिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते वहाँ जाते,
और आज वहाँ के 10 MLA ने मांग किया है, कहा है 5 ऐसी घटनाएं और हुई है। कितनी घटनाएं चाहते हो नरेंद्र मोदी, कितनी मांग? अरे अमित शाह तो छोटा है, पहले मणिपुर सरकार को बर्खास्त करो और नरेंद्र मोदी मणिपुर जाइए, जा करके सर्वदलीय पहल करिए, सब सामाजिक समूह से बात करिए, माँ बहन की इज्जत लूटी जाती रही है, दुनिया के अंदर में शर्मसार हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से, ये देश के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। अरे भाई नीतीश जी जाएंगे नहीं, या नीतीश जी का जाने का वहाँ है, राहुल गांधी गए, इंडिया गया। जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, दो समुदाय के बीच की घटना, लाज नहीं लगता है बोलने में? निर्लज्ज है, निर्लज्ज है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। ये धर्म का मामला है, जाति का मामला है, क्या उसके माथे पर लिखा हुआ है किस धर्म का है कि बेटी थी? शर्मसार है, तब तो जाति और धर्म के नाम पर महिलाओं की इज्जत लूटी जाती रही, और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष धार्मिक समुदाय का संघर्ष बोलते हैं। दो ईसाई कुर्की और मैथी के बीच की लड़ाई। अरे कौन है वह? आप शासन में, अरे आप शासन में हैं, प्रवचन मत दीजिए, आपकी जिम्मेवारी है, किसी के माथे पर लिखा हुआ है और किसी दूसरे धर्म का होगा तो उस ढंग की तस्वीर वायरल होगी। क्या बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं? जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जिस तरह से प्रधानमंत्री का बयान आता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और महिलाओं को निबस्त करके घुमाया। अरे हम कह रहे हैं कि अमित शाह का वो बयान गलती से नहीं निकला था, अंदर से निकला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसी काम में ही लगा हुआ है सब। मणिपुर की घटना जो देश को शर्मसार करने वाली घटना है, और महिलाओं को जिस तरह से निवस्त्र घुमाया गया, सामूहिक बलात्कार की घटना घटित हुई, यह दुखद पूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण है और देश इससे अपमानित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा लगाती थी, और भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जिस तरह से महिलाओं के साथ छेड़खानी बलात्कार की घटनाएँ घटित हुई हैं, यह चिंता का विषय है। आप देख लीजिए जिस तरह से बृजभूषण सिंह पहलवान, जो हमारी बेटियां गोल्ड मेडलिस्ट थी, उनका यौन शोषण किया गया, प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी नहीं तोड़ा। फिर मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया, सामूहिक बलात्कार हुई, 77 दिन के बाद भी प्रधानमंत्री जी अपना चुप्पी नहीं तोड़े। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह लिया फैसला कि हम सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई करेगी, तब सरकार जगी है, इस मामले की CBI जांच हो, वहाँ मणिपुर में के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, और नहीं तो प्रधानमंत्री स्वयं जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दें। इसके पास एक बार मणिपुर जा नहीं रहे, ये मणिपुर जाना चाहिए इनको, वहाँ की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, नहीं संभल रहा है, वहाँ मंत्री के घर में आग लगाया जा रहा है, MLA कह रहे हैं कि 5-5 और घटना हुई है, 72 दिन बाद सूचना प्राप्त हो रही है भाई, यही है डिजिटल इंडिया आपका। हम कोई राजनीतिक आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन हम यह जरूर कहना चाहते हैं, महिलाओं की इज्जत के सवाल पर जाति धर्म में मत बांटो, यह अध्यात्म की भूमि है, दुर्गा की भूमि है, ऐसा दंड लगेगा ना कि जन्म जन्मांतर याद रहेगा। अरे ये कहीं कुछ देखिए, फिर मैं राजनीतिक संदर्भ नहीं ले जा रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मणिपुर में सर्वदलीय पहल होनी चाहिए, सामाजिक समूहों की पहल होनी चाहिए, और माँ बेटी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो, उसको कोई धर्म के नाम पर बोले तो उसके राजनीति की दुकान में आग लगा देना चाहिए। चार महीने क्या महिलाओं असुरक्षित रहती है 4 महीनों से? अरे भाई तो सम्राट चौधरी से पूछिए ना, जो कह रहा है दो धार्मिक समुदाय के बीच संघर्ष, क्या बोल रहा है भाई? आप लोग 4 महीने से क्या बोल रहा है, जिसको धर्म की परिभाषा नहीं आता हो? अरे हम तो आवाज उठा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्लियामेंट से लेकर के हमारी पार्टी लगातार इस सवाल पर, हमारे तो वहाँ विधायक थे, जो विधायक 5 विधायकों को इन लोगों ने खरीद, उस समय खरीद फरोख्त की राजनीति किया, हम तो मजबूती से हमारी इकाई वहाँ लड़ रही है। अरे छोड़िए नहीं, सब छोटा चेला है, राजनीति का चेला नहीं सब है, सब हिस्सा लोगों की
सतमा नहीं चलेगी, सतमा आठवां पास वाला पर हम सतमा आठवां पास है। अरे पीछे सेवन देश बचाओ। अरे हम परमानेंट फर्जी है डिग्री एकदम पक्का।